नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद MFRS चकाचक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हैं कि मैं हमेशा जंगल में जाकर आप लोगों के लिए अनेक अनेक औषधियों पर वीडियो बनाता रहता हूं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप नए हैं तो। दोस्तों, मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लाऊँगा। और अब देखिए आप, मैं एक नाले के पास आया हूँ और मैं आज जिस बारे में वीडियो बनाने चल रहा हूँ उसको आप जानते होंगे या फिर नहीं जानते होंगे, तब भी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। उसका नाम है अपामार्ग, जिसको हम चिरचिटा बोलते हैं। दोस्तों, आप वीडियो में देख सकते हैं, अपामार्ग यही है, पहचान लीजिए। इसके पत्तों का, इसके जड़ का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता कहाँ पे है, कैसे होता है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो बने रहिए लास्ट तक, वीडियो को स्किप नहीं करना है दोस्तों। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करें, मैं उस पर पर्सनल आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं इसके फ़ायदे के बारे में। दोस्तों, ये जो चिरचिटा है या फिर अपामार्ग, इसका सबसे पहला इस्तेमाल तो यह है कि यह पथरी को गलाकर चूर चूर कर देता है। जो किडनी में पथरी होती है उसको गलाकर यह चूर चूर कर देगा और पेशाब के माध्यम से पथरी बाहर निकल जाएगी। और दूसरा लाभ इसका है दोस्तों, बवासीर, बवासीर में यह आराम देता है। और सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है इसका दोस्तों, यह होता है जिसको मिर्गी आती हो, मिर्गी बहुत सारे लोगों को आती है, तो मिर्गी के लिए इसके जड़ को आप उबाल कर काढ़ा बनाकर उसको पिलाइए, तो 15 दिन में आप फ़र्क देखेंगे, बहुत ज़्यादा फ़र्क। जो बवासीर और मैंने जो इसके लिए आपको पथरी के लिए बताया, उसको भी उसका जड़ और पत्ती का काढ़ा बनाकर पिलाना है। अगला है दोस्तों, योनि अगर ढीली हो गई हो सेक्स करते करते, तो योनि को टाइट करेगा। इसके पत्तियों का रस पीस कर आप पानी में उबाल दीजिए, उसके बाद उस पानी से योनि को धोइए, उससे क्या होगा, वो योनि एकदम टाइट हो जाएगी, जैसे एकदम जवान। और दोस्तों, दांत दर्द, दांत दर्द के लिए तो रामबाण है। अगर किसी का दांत दर्द हो रहा हो, दांत में दर्द हो, तो इसका जो ये तना होता है, इसके तने का अगर आप दातून करते हैं तो दांत दर्द तो तुरंत आराम हो जाता है। दोस्तों, दांत के लिए तो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। और माहवारी, जो मासिक धर्म आता है दोस्तों, उसमें भी बहुत ज़्यादा लाभकारी है। तो दोस्तों, ये सब जितने फ़ायदे हैं आपको मैंने बता दिए, इसके कई ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। तो मैं आपके लिए हमेशा ऐसे वीडियो बनाता रहता हूँ, अभी तो मेरे पास थोड़ा समय कम था, फिर भी मैंने वीडियो बनाया, तो आपको डेली अब वीडियो मिलते रहेंगे। तो मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय।